हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम डिस्कस uh, करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ एम एस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर सो इसके कुछ नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये जो नोट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस पी फाइल में टोटल सिक्स पेजेस हैं पहले थोड़ा सा इसका एम एस डॉस का इंट्रोडक्शन है और लास्ट में जाके फिर इससे रिलेटेड कुछ एम सी की हैं सो जे ओ के एग्ज़ाम में एम एस डॉस के दो या तीन क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं सो आप नए इसको जो है वो काइंडली प्रिपेयर कर लेना है सो एम एस डॉस बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और uh, आज की डेट में जितने भी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट uh, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑलरेडी पे ऑलरेडीडेड किया होता है मतलब वो पहले से ही हर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इज कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सी यू आई भी बोलते हैं यहां पर जो लिखा है दैट इज सी यू आई कमांड यूजर इंटरफेस क्लियर Uh, जो भी हम काम करेंगे जैसे विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं वहाँ पे हम फाइल क्रिएट करनी है तो हम ग्राफिकली uh, आइकन्स uh, के साथ फ़ाइल uh, जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं राइट right क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आएँगे और एक एम वर्ड की फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर देंगे क्लियर सो सिमिलर वैसे ही वही काम जो है वो हम डॉस में भी कर सकते हैं बट डॉस में हम ग्राफिकली नहीं करते डॉस में हम कैसे करेंगे कमांड यूज़र इंटरफेस के थ्रू मतलब जो काम आप ग्राफिकली विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करते हैं वही सारा का सारा काम हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ डॉस में करते हैं बट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स जैसे कि अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है कॉपी कॉन किसी फाइल को डिलीट करना है तो डी ई एल डेट एंड टाइम की सेटिंग चेंज करनी है तो डेट कमांड है टाइम की सेटिंग चेंज करनी है तो टाइम कमांड है एक आप फोल्डर बनाना चाहते हैं जिसको हम डॉस में डायरेक्ट्रीज बोलते हैं सो डायरेक्ट्री क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है एम डी इज़ मेक डायरेक्ट्री एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप जाना चाहते हैं जिसको हम डॉस में बोलते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं फॉर दैट पर्पस हम यूज़ करते हैं सीडी कमांड ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली भी लास्ट में करके दिखाऊंगा सो पहले आप ये जो थियोटिकल पोर्शन है इसको हम कम्प्लीट कर लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस uh, में एक टाइम पर एक ही यूज़र जो है वो लॉग इन कर सकता है दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है एक टाइम पर एक ही काम किया जाएगा ईच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ कमांड्स हम सारा काम कर सकते हैं जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ करते हैं वही काम सारे कमांड्स के साथ जो है वो हम डॉस में कर सकते हैं क्लियर सो कमांड्स कैन बी रिटन इन अपर केस और लोअर केस कमांड्स को हम स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में जैसी मर्जी लिख सकते हैं इसलिए एक जो टॉपिक एक जो प्रॉपर्टीज की ये भी है कि एम एस डॉस जो है वो केस इनसेंसिटिव होता है यहाँ पे आप कमांड्स को स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो दैट डजेंट मैटर थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है विंडोज़ का जो फर्स्ट वर्जन था दैट इज़ वन ये विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ कब आया था 1985 में जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडोज़ का सबसे फर्स्ट वर्जन कौन है दैट इज़ 1.01 पॉइंट जीरो हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसको आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और भी क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट ये दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एम एस डॉस दैट इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ डॉस कौन था एट्टी सिक्स डैश डॉस वॉज शिफ्ट इन अगस्त नाइनटीन एट्टी माइक्रोसॉफ्ट विच नीडिड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द आई वी एम पर्सन कंप्यूटर हाइड इस पर्सन का नाम टिम पैटरसन का नाम जो है वो एम एस डॉस के साथ अटैच किया जाता था जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया था टू डेवलप फर्स्ट एम एस डॉस वर्ज़न दैट इज़ एटी सिक्स डॉस वन पॉइंट वन जीरो और उसको कितने डॉलर्स में परचेज़ किया गया था सेवेंटी फाइव थाउजेंड में इन जुलाई नाइनटीन एट्टी वन क्रिए सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एम एस डोस फर्दर इसी वर्ज़न को दैट इज़ एटी सिक्स डॉस वन पॉइंट वन जीरो को रीनेम कर दिया और इसका फाइनली नेम क्या कर दिया एम एस डॉस अच्छा एम एस डॉस जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो इस इसकी, इसकी कुछ कॉन्फिग्रेशन फ़ाइल्स होती हैं जिसमें जैसे फर्स्ट फाइल का नाम है एम बी आर मास्टर बूट रिकॉर्ड ये आपने ध्यान रखना है जैसे डिस्क ऑपरेटिंग ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बायोस की सेटिंग होती है सिमिलर वैसे ही डॉस में भी बायोस की सेटिंग की जाती है और ये किस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर होता है बायोसिस एम एस डॉसिस भी है दैट इज़ एस वाई एस ये इनबिल्ट जो फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं डॉस की वो सारी की सारी किस्में होती है एम एस इसमें कमांड्स हैं हमारे पास तो इंटरनल इन, कमांड्स होती हैं एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं ये सारी की सारी कमांड्स Uh, किस पर्टिकुलर फाइल में डॉस के अंदर स्टोर होती हैं दैट इज़ कमांड डॉट कॉम ये आपने ध्यान रखना है इसी को ही हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर किसी कमांड के थ्रू कुछ काम कर रहा हूँ तो उन कमांड्स की जो प्रीवियस डेफिनेशंस होंगी कि वो काम वो कमांड्स क्या काम करेंगी सो दोज़ कमांड्स विल बी इंक्लूडेड इन कमांड डॉट कॉम देन नेक्स्ट है ओटो ई एक्स ई सी डॉट बी ए टी दैट इज़ बैच फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड बैच फाइल्स इट कंटेन कमांड्स दोज आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वहन सिस्टम बूट्स जब भी आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होगा जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा सो so उस केस में जितनी भी फाइल्स स्टार्ट uh, होने में या बूट होने में रिक्वायरमेंट होंगी डॉस को सो so वो सारी की सारी फ़ाइल्स आपकी किस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर होती हैं ऑटो ई एक्सी डॉट बैच नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज़ कन्फिक डॉट सी एस इट इज़ सिस्टम फाइल लोडेड ईच टाइम द कंप्यूटर फर्स्ट बूट सब जैसे ही आपका uh, एम एस डॉस या कंप्यूटर आपका जैसे ही स्टार्ट होगा सो so सबसे पहले जो फाइल स्टार्ट होती है दैट इज़ कन्फिक डॉट सिस ये कुछ इनबिल्ड फाइल्स हैं इनके बारे में कई बार जो है वो पूछ लेते हैं नेक्स्ट इज दैट इज़ कमांड्स इन एम एस डॉस एम एस डॉस में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं इंटरनल कमांड्स हैं एक्सटर्नल कमांड्स हैं इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की हैं जैसे कि सी एल एस है क्लियर स्क्रीन है कॉपी एक फाइल को दूसरी फाइल दूसरे फो, द, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अगर फाइल को आपने कॉपी करना हो तो हम कॉपी कमांड यूज करते हैं टाइम डेट को व्यू करना है और रीसेट करना है तो हम डेट कमांड यूज करते हैं डेल हैड डी आई आर है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं या कितनी यहाँ पे फोल्डर्स या कितनी यहाँ पे सब डायरेक्टरीज़ हैं तो उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखाता हूँ अब देखिए साथ साथ हम इसको चेक भी करेंगे अगर मान लीजिए आपने एम एस डॉस को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट रन में जाइए और सी एम डी लिख दो यहाँ पे यहाँ से एम एस डॉस जो है वो ओपन हो जाता है दूसरा जी दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी मेरी जो लोकेशन है वो है सी क्या है यहाँ पे रूट डायरेक्टरी उसके अंदर एक हमने डायरेक्टरी बनाई है जिसका नाम है यूजर्स और उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसका नाम क्या है जस्सी क्लियर सो so, जस्सी यहाँ पे जस्सी जो है वो है सब डायरेक्टरी यूज़र जो है वो डायरेक्टरी है और जो सी है दैट इज़ रूट डायरेक्टरी अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में जंप करना हो तो आप सी डी लिखिए और फ बैकवर्ड स्लैश आप लगाएंगे सो so आप डायरेक्ट जो वो रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे पहुँच सकते हैं दूसरा अब फिर से मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे नहीं जाना था आपको यूज़र डायरेक्ट यूजर वाली डायरेक्टरी में होना चाहिए फॉर दैट पर्पज़ आप क्या करेंगे सीडी लिखेंगे सीडी की फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी और आपने यहाँ पे यूज़र्स लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी लोकेशन फिर से कहाँ चली जाएगी यूजर्स में दूसरा केस मान लीजिए आपको फिर से वहीं यूजर्स के अंदर जो डायरेक्ट्री बनाई है आपने जस्सी नाम की उसमें आपने एंटर करना है तो फर्दर आप क्या करेंगे सी डी और जे डबल एस आई लिखेंगे और आप एंटर कर जाएंगे क्लियर अब मान लीजिए डायरेक्ट्रीज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट्रीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे फोल्डर्स क्लियर सो so, आपकी रूट डायरेक्टरी कौन सी है यहाँ पे सी आपका रूट डायरेक्टरी के बाद जो डायरेक्टरी है दैट इज़ यूजर्स और उसके अंदर एक डायरेक्ट नेक्स्ट डायरेक्टरी आपने बनाई है दैट इज़ जिसका नाम क्या है जस्सी अब आप इससे प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में जैसे जस्सी से निकल कर आप यूजर्स में जाना चाहते हैं तो देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फोल्डर बनाया मैंने क्लियर अब यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर ले लो एक ये फोल्डर बना है इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है क्लियर सो ऐसे करके जब आप बैक आएंगे तो हम ग्राफिकली यूजर इंटरफेस कैसे करते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और वहाँ पे हम क्लिक नहीं कर पाएंगे सो क्लिक नहीं कर पाएंगे फॉर दैट परपज़ आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी और यही काम होता है डॉस का कि डॉस में हम सारा काम जो हम कमांड जो काम हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ करते हैं वही सारा काम यहाँ पे भी कर सकते हैं बट ओनली विद द हेल्प ऑफ कमांड्स देखिए सी है अगर मैं यहाँ पे सी के साथ ये दो साइंस लगाऊंगा तो इसका मतलब मैं इससे प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में जो है मूव कर जाऊंगा ऑटोमेटिकली अगर बैक आपने आना हो जैसे कि आप यहाँ पे हैं क्लियर यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ पे एंटर कर गए ये आगे जाने के लिए और बैक जाने के लिए आपने ये यूज़ किया सिमिलर वैसे ही यहाँ पे बैक जाने के लिए हम सी और दो डॉट्स लगाते हैं तो इससे प्रीवियस वाली डायरेक्ट्री जो होगी उसमें आप जंप कर जाएंगे क्लियर अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी डी आई आर इसको मैं आपको चेक करना बताता हूँ कैसे करते हैं अगर आपने डायरेक्ट ड्राइव को ही चेंज करना हो जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एक सी ड्राइव है एक डी ड्राइव है इसको मुझे अगर चेंज करना है तो मैं डी लिखूंगा और कॉलन्स लगाऊँगा और साथ में ही एंटर प्रेस कर दूंगा अब देखिए मेरी लोकेशन जो है वो सी से डी ड्राइव में आ, चली गई अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरी डी ड्राइव में क्या क्या कंटेंट है तो मैं डी आई आर लिखूंगा और मेरा सारा कंटेंट जो है वो शो हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो मैं आपको इसको चेक भी करवाता हूँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ भी चेक करवाऊँगा यहाँ पे क्या क्या है जे ओ आई टी सेट वन एक एम सी क्यू डॉट ए वी आई मतलब एक वीडियो बनाया हुआ है ये भी वीडियो है ये भी वीडियो ये भी वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू जीरो ज़ीरो सेवन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक डायरेक्ट्री है यहाँ पर देखिए डी आई आर डायरेक्ट्री और ये आपकी फ़ाइल्स हो गई क्लियर सो so, डी आई आर जहाँ पर लिखा होगा इसका मतलब ये फोल्डर्स बनाए हुए हैं मैंने प्रोग्राम डेटा का नाम पे बना है एक शिल्पा मोबाइल करके बना है अब इसको ग्राफिकली यूजर इंटरफेस की हेल्प से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए डी ड्राइव का कंटेंट जो सारा का सारा यहाँ पर कंटेंट आ रहा है वही फाइल्स के नेम जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं क्लियर सो एवरी थिंग कैन बी डन बट विद द हेल्प ऑफ कमांड्स ओनली सो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ एम एस टॉस जो आप काम वहाँ पे करते हैं वो सारा का सारा काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं दूसरा नेक्स्ट कि यहाँ से मान लीजिए अब मैंने इतनी सारी कोडिंग की है इसको मुझे क्लियर करना है तो मैं सी एल एस लिखूँगा और मेरी सारी की सारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी अब डी ड्राइव से अगर मुझे फिर से सी ड्राइव में आना है तो फिर से मैं सी लिखूँगा कॉलम्स लगाऊंगा एंटर प्रेस करूँगा और फिर से मैं जो है वो सी में जंप कर जाऊंगा मतलब जो भी मेरी प्रीवियस वाली लोकेशन होगी और इसको भी अगर आपने चेंज करके लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अब डायरेक्ट आप रूट डायरेक्टरी में पहुँच गए जो आपकी रूट डायरेक्टरी क्या थी सी डायरेक्टरी थी क्लियर जी तो प्रैक्टिकली भी आप इसको जो है वो करके देख सकते हैं अब आ, एग्जिट करना है डॉस को ही तो आप एग्जिट लिख दीजिए एम डी मेक डायरेक्ट्री अगर कहीं पे जाके आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं अब देखिए एक फोल्डर अगर आपने क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे जाएंगे न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देंगे उसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं वही काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ देखिए अगर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है या एक फ़ोल्डर मुझे बनाना है विद द हेल्प ऑफ एम एस डॉस तो मैं उसको कैसे बनाऊँगा हम लिखेंगे यहाँ पर एम डी लिख दिया मैंने और उसका नाम जो है वो हेलो कर दिया जैसे ही एंटर प्रेस किया आपकी जो है वो डायरेक्टरी बन गई होगी इसको चेक करना चाहते हैं तो आप कमांड के साथ भी चेक कर सकते हैं डी आई आर लिखेंगे अब देखो डी आई आर आपने लिखा और ये हेलो नाम की डायरेक्टरी या फोल्डर जो है वो बन चुका है अब इसको आपने ग्राफिकली चेक करना हो तो कंप्यूटर को कंप्यूटर में सी ड्राइव पर जाइए और ये देखिए हेलो नाम की जो डायरेक्टरी आपने क्रिएट की वो भी बन चुकी है अब इसी का मैं एक आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ अब आप चाहते हैं कि हेलो नाम की डायरेक्टरी के अंदर दैट इज़ हेलो नाम के फोल्डर के अंदर जाके आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं एम एस वर्ड की तो वो भी आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं वो कैसे किया जाएगा उसको आपने अब ध्यान से देखना है जब ये काम करेंगे तो वो कैसे करेंगे आप उस पर्पज़ के लिए आपको पहले उस डायरेक्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो मुझे सी डी चेंज डायरेक्टरी और किस डायरेक्टरी के अंदर जाना है मुझे हेलो के अंदर तो मैं यहाँ पे जंप कर जाऊँगा इसका मतलब अब मेरी लोकेशन जो है वो हेलो नाम की डायरेक्टरी के अंदर है अब मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कॉपी कॉन क्लियर कॉपी कॉन यूज़ किया और फाइल का नाम मैंने रख दिया वन टू थ्री डॉट डी ओ सी ये मेरी फाइल जो है वो क्रिएट होगी क्रिएट होने के बाद अब ये फ़ाइल ओपन है अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेलकम टू द दर्ड ऑफ कंप्यूटर ऐसे करके मैंने एक मैसेज लिख दिया जैसे ही आप मैसेज लिख देंगे यू हैव टू प्रेस कंट्रोल जेड ध्यान रखना है कंट्रोल जेड प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देंगे वन फाइल कॉपीड इसका मतलब क्या है कि ये एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई अब इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं डी आई आर लिखो यहाँ पर और एक फ़ाइल बनी है यहाँ पे जिसका साइज़ जो बत्ती बाइट्स है और फाइल का नाम क्या है वन टू थ्री डॉट डी ओ सी अब इसको आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं मैं कंप्यूटर में गया कंप्यूटर के बाद सी ड्राइव में सी ड्राइव के बाद हेलो में और हेलो में देखिए ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी सो इवन हम एम एस वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल वो देखो उसमें क्या कंटेंट लिखा था वो भी आ गया सो एम एस की वर्ड की फाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं हमें एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी है तो वो हम वो भी कर सकते हैं बाकी अब आइए आप थ्रोटिकल कंसेप्ट में टाइप है फाइल के कंटेंट को अगर आप चेक करना चाहते हैं आप देखिए एम एस जो मैंने यहाँ पे लिखा था इस पर्टिकुलर फ़ाइल में मैंने क्या लिखा था मुझे वो चेक करना है तो मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ फॉर दैट पर्पज हम क्या यूज़ करेंगे टाइप लिखूंगा और फाइल का नाम क्या था वन टू थ्री डॉट डी ओ सी क्लियर बट लोकेशन मेरी हेलो के अंदर ही होनी चाहिए जहाँ पे वो मैंने फ़ाइल को क्रिएट किया है जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा सो जो भी कंटेंट वहाँ पे लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें अपेयर हो जाएगा तो हमने देखिए क्या लिखा था वेलकम टू द वर्ड ऑफ कंप्यूटर वही लिखा था और वही मैसेज जो है वो आपके सामने शो हो गया देन वर्ज़न है बी ई आर अगर आप लिखते हैं तो जो भी आपका वर्ज़न होगा डॉस का वो वर्जन नंबर जो है शो हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखिए वर्जन 6.1.7600 ये आपके एम एस डॉस का जो वर्जन है की डॉस एक कमांड है जो प्रीवियस कमांड्स को यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो आपने यूज़ की हैं अब देखो इसको लिख के देखते हैं की डॉस लिखा मैंने की डॉस के साथ यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है तो मोस्टली कुछ कमांड्स जो हैं वो डायरेक्टली रन नहीं होती हैं सो प्रीवियस प्रीवियस यूज्ड कमांड्स को अगर आपने चेक करना हो तो आप कर सकते हैं अगर उसके लिए अगर आप ये नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप एरो लिखो एरो के साथ ऊपर वाला एरो दबा दो जितनी भी प्रीवियस वाली कीज कमांड्स uh, होंगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी आपको बार बार कमांड्स uh, जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं जैसे डी आर डी आई आर लिख दिया टाइप करने की ज़रूरत नहीं है तो डी आई आर आप जैसे लिखेंगे जो भी फाइल्स जो भी रिसेंटली कमांड्स आपने यूज़ की होंगी वो सारी की सारी वहाँ पर आ जाएंगी इस साइड वाली ये जितनी भी कमांड्स हैं ये इंटरनल कमांड्स हैं और ये हैं एक्सटर्नल कमांड्स एक्सटर्नल कमांड्स कई बार डायरेक्टली नहीं चलती हैं दे रन विद द हेल्प ऑफ अनदर फाइल विच इज़ नोन एज बैच फाइल्स तो ध्यान रखना आपने इंटरनल कमांड्स ऑलरेडी एम एस डॉस में होती हैं। एक्सटर्नल कमांड्स रन करने के लिए आपको किसी दूसरी फाइल का यूज करना पड़ता है और वो कमांड्स कौन सी होती हैं? वो जो फाइल्स हैं उन फाइल्स का नाम क्या होता है बैच फाइल्स उनको हम बोलते हैं दूसरा एम एस डॉस में एक और चीज़ है दैट इज़ बाइल्ड करेक्टर्स इन एम एस डॉस तो ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क का साइन है और एक एस्ट्रिक है ये बाइल्ड करेक्टर्स होते हैं एम एस डॉस में इसका क्या यूज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर किसी फाइल को अगर आप एम एस डॉस में सर्च करना चाहते हैं तो अगर जैसे एच ई -e लिखा है देन दो क्वेश्चन मार्क के साइन मैंने लगा दिए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ जब भी आप इस पर्टिकुलर फाइल को सर्च करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी वो वाली फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी जिन फाइल्स के स्टार्टिंग के दो करेक्टर्स एच ई होंगे और लास्ट के दो करेक्टर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं और डॉट उनका एक्सटेंशन जो है वो सी ओ एम होगा जैसे यहाँ पे सेकेंड के केस में क्या किया है एच ई क्वेश्चन मार्क का साइन इसका मतलब द फाइल मस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री करेक्टर्स फाइल का जो नेम होगा उसमें थ्री करेक्टर होंगे तीन करेक्टर्स में से पहले दो जो है वो एच ही एच ई होने चाहिए थर्ड करेक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है और फाइल का एक्सटेंशन जो है वो डॉट डी ओ सी होगा सो ऐसी जो भी पैटर्न मैच करेंगे फाइल के नेम्स के साथ वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो आपके सामने लिस्ट आउट हो जाएंगी नेक्स्ट वाला केस है दैट इज़ डब्ल्यू फर्स्ट करैक्टर है फाइल का वो डब्ल्यू होगा लास्ट के तीन करैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं और फाइल का एक्सटेंशन जो है वो डॉट टी एक्स टी होना चाहिए सो so, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक चीज़ को आपने स्किप करना है सो so उसको आप कैसे करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ और स्टार का क्या काम होता है अगर मैं लिख रहा हूँ डी आई आर स्टार डॉट स्टार तो इसका मतलब है कि आप सारी फाइल्स के नेम विद एनी एक्सटेंशन वो सारा का सारा कंटेंट आपके सामने लिस्ट आउट होगा अगर आप लिख रहे हैं डी आई आर एस्ट्रिक का साइन डॉट एक्स एल एस इसका मतलब है कि XLS एस एक्सटेंशन के साथ दैट इज़ एक्सेल की जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी लिस्ट आउट होंगी और वो भी कौन सी होंगी जो एक्सेल टू जीरो जीरो थ्री में बनी होंगी सिमिलर वैसे ही स्टार डॉट डी ओ सी आप लिख रहे हैं क्लियर सो so आप एक्सटेंशन पर वैलिडेशन लगा रहे हैं स्टार का मतलब क्या है कि फ़ाइल का कोई भी नाम होगा बट एक्सटेंशन जो है वो डॉट डी ओ सी होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे डी आई आर कमांड उन फाइल्स को लिस्ट आउट करेगी जिनका नाम कुछ भी हो बट उनका एक्सटेंशन जो है वो डॉट डी ओ सी होना चाहिए इट मीनस दैट कि एम एस वर्ड टू जीरो जीरो थ्री में जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे लिस्ट आउट होंगे सो ये बाइल्ड करेक्टर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं डॉस में इतना ही आपको आएगा बाकी डॉस से रिलेटेड कुछ एम क्यूज़ हैं ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं साथ में ही इनके आंसर्स भी दिए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स भी डिटेल में मैंने शो कर दी हैं और कौन सी कमांड का क्या पर्पस होता है ये भी आपने ध्यान रखना है सो so ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपने कर लेने हैं फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आपने वो मेरे साथ डिस्कस कर लेने हैं ये फाइल का जो इस पर्टिकुलर पी फाइल का जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगा टिल देन थैंक यू धन्यवाद